अभी इस टाइम दोस्तों काफ़ी डिस्काउंट ब्रोकरों की एडवर्टाइज आ रही है ऑनलाइन, तो यहाँ पे एलआईएस ब्लू है उनमें से एक है। अगर आप एलआईएस ब्लू में अकाउंट खोलना चाहते तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम उसके डीमैट चार्जेस, हिडन चार्जेस, मार्जिन एक्सपोजर, प्लेटफॉर्म के बारे में और क्लाइंट बेस और कस्टमर बेस और कस्टमर सपोर्ट के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों एलआईएस ब्लूज की बात करें तो यहाँ पे 2006 में वो लॉन्च हुआ था। वो एनएससी बीएससी एमसीएक्स में निवेशकों को फैसिलिटीज दे रहा है। उसकी 17 से ज़्यादा ब्रांचेज है और जो अक्रॉस इंडिया में है। तो यहाँ पे दोस्तों 125,000 से 20 ज़्यादा क्लाइंट है। एलआईएस ब्लूज की तो बात करें तो दोस्तों एलआईएस ब्लू के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एंटी वेब बेस एप्लीकेशन है और एंटी मोबाइल बेस भी एप्लीकेशन है। एंट और डैशबोर्ड यानी कि डेस्कटॉप वर्जन सॉफ्टवेयर भी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एंट है वो मेटा एनालिसिस टूल भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे दोस्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़िया है और दोस्तों दूसरे जो बड़े बड़े ब्रोकर के तुलना में कोई भी कमी नहीं रखी है। दोस्तों काफ़ी इंटरफेस बढ़िया है सॉफ्टवेयर का और मोबाइल एप्लीकेशन का। रेटिंग भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है उसे रेटिंग भी अच्छा मिल रहे हैं, रिव्यूज़ भी अच्छा मिल रहा है और लोगों ने जो यूज़ करने के मामले में भी अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। इस दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों विदाउट इंस्टॉलेशन ये है सॉफ्टवेयर, तो काफ़ी ये बढ़िया है कि इंस्टॉलेशन की बहुत ही अगर आपको नहीं आता है तो आप आसानी से उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं कोई भी बिगिनर है तो भी। दूसरा दोस्तों कोई भी ट्रेड करने के लिए शॉर्टकट कीज दी गई है, तो इससे आसानी होती है। शॉर्टकट कीज से आप ट्रेड को लगा सकते हैं और सॉफ्टवेयर की तरह दोस्तों यहाँ पे चार्ट और विथ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं इन सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन में। एलआईएस ब्लू के कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप दोस्तों ऑफलाइन आपको सर्विस मिलेगी। यहाँ पे आप वेब चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, ऑल रिक्वेस्ट कॉल भी कर सकते हैं जिससे आपको कोई भी हेल्प आपको तुरंत मिल जाएंगी। सुबह 8 बजे से 6:30 बजे तक का कस्टमर सपोर्ट का टाइम है, वो खास ध्यान रखें। सैटरडे को वो अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल है कस्टमर सपोर्ट। एलआईएस ब्लूज़ के कस्टमर बेस और कंप्लेंट की बात करें तो यहाँ पे बीएससी में 2020-21 में 3,000 क्लाइंट थे, उसमें से 3 लोगों ने कंप्लेन की थी। एनएससी में 2020-21 में 125,000 से ज़्यादा कस्टमर थे, उनमें से 167 लोगों ने कंप्लेन की थी। डिमेट अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 0 है और डिमेट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो 400 रुपीज़ है। एलआईएस ब्लू के डीपी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे 15 रुपये पर ट्रेड है। अगर कोई भी फिजिकल शेयर को आपको डिमेट करवाना है तो आपको पर सर्टिफिकेट 10 रुपये लगेगा और पर रिक्वेस्ट पे 50 रुपये लगेंगे, यानी कि 50 और 10 60 रुपये लगेंगे। दोस्तों रिमेट के यहाँ पे 30 रुपये पर सर्टिफिकेट पे लगेंगे सीडीएसएल चार्जेस। साथ ही साथ डिमेट के लिए भेजने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुरियर चार्जेस 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। प्लेस की बात करें तो यहाँ पे 20 रुपये प्लस 12 रुपये पर रिक्वेस्ट पर लगेगा, अनप्लेस पे आपको 20 रुपये प्लस 12 रुपये लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे खास ध्यान रखें इन चार्जेसों के बारे में, दोस्तों ये चार्जेस भी जब आप करते हैं तब लगते हैं, तो इसके ध्यान रखना चाहिए और ब्रोकरों के साथ कंपेयर करना चाहिए। एलआईएस ब्लू के हिडन चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक अगर मंगवाते हैं कंपनी में से तो 100 रुपीज़ चार्जेस लगेगा 10 पेज के, और यहाँ पे अगर चेक बाउंस होता है आपका तो आपको 500 रुपीज़ चार्ज लगेगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होता है तो आपको उस पर भी 50 रुपया लगेगा। अगर एलआईएस ब्लू के साथ आप कॉल करके ट्रेड ले रहे हैं या फिर स्क्वेयर अप करवाते हैं तो उसके चार्जेस आपको 20 रुपया पर ट्रेड एग्जीक्यूटिव पर लगेगा। और दोस्तों दूसरी बात करें तो यहाँ पे अदर चार्जेस, यहाँ पे स्टेशनरी चार्जेस और छोटे छोटे चार्जेस लगते हैं यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के और ये सब, तो ये देख लेना ज़रूरी है। आप जब कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपका या फिर किसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नीचे सिर्फ सभी जनरल लगी होती है तो उसे देख लेना ज़रूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट है वो 0 है, ट्रेडिंग अकाउंट जो एमसी चार्जेस है वो भी बिल्कुल फ्री है। ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में आपको 0 लगेगा, इंट्राडे में 15 रुपये लगेगा, ऑप्शन में 15 रुपये लगेगा, करंसी फ्यूचर में 15 रुपये लगेगा, करंसी ऑप्शन में 15 रुपये लगेगा और कमोडिटी फ्यूचर में 15 रुपये लगेगा और कमोडिटी ऑप्शन में भी 15 रुपये लगेगा।
एलआईएस ब्लू का मार्जिन एक्सपोजर है वो दूसरे ब्रोकरों की तुलना में कुछ अलग सा है। यहाँ पे एलआईएस ब्लू इक्विटी डिलीवरी में 1 गुना देगा, यानी कि 0 देगा। इक्विटी इंट्राडे में आपको 8 गुना मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही आपको मिलेगा ये फैसिलिटी। फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे 2 गुना मिलेगा, इक्विटी में भी 2 गुना मिलेगा। लेकिन दोस्तों इक्विटी और फ्यूचर की बात करें तो इससे भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही मिलेगा। करेंसी में आपको 2 गुना मिलेगा, करेंसी ऑप्शन में 2 गुना मिलेगा, कमोडिटी में आपको 2 गुना मिलेगा और कमोडिटी ऑप्शन में भी आपको 2 गुना मिलेगा। एलायंस ब्लू के कस्टमर रेटिंग और रिव्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर रिसर्च और एडवाइजरी को मिलते हैं 10 में से 5.5, ब्रोकरेज और चार्जेस और अदर हिडन चार्जेस को मिलते हैं 10 में से 8.5, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मिलते हैं यहाँ पे 10 में से 5.5, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर यहाँ पे मिलते हैं 10 में से 5.8, ब्रोकरेज एक्सपीरियंस को लेकर 10 में से 5.9 मिल रहे हैं और रेटिंग यहाँ पे 10 में से 6.1 रेटिंग मिल रहा है। एलायंस ब्लू के सबसे बड़े कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे जो इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो डिसअपॉइंटेड है कस्टमरों के हिसाब से, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है वो बार बार ग्लिच हो जाती है जब ट्रेडिंग करते हैं तब। और दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे अगर 6 महीने आप कुछ भी काम नहीं करते तो आपका अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। एलायंस ब्लू के प्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन अच्छा खासा दे रहा है और यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो कॉम्पिटिटिव है अदर ब्रोकरों के साथ। यहाँ पे रेफरल और अर्न का फीचर बहुत ही बढ़िया है, अगर कोई भी क्लाइंट है अगर वो किसी दोस्त को रेफर करता है उससे तो उसका जो परसेंटेज है ब्रोकरेज का और अकाउंट ओपनिंग की जो अर्निंग करने का चांस बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके द्वारा कोई भी कस्टमर बनता है एलआईएस ब्लू में तो आपको 30% तक आपको कमीशन मिलेगा, यानी कि कोई भी क्लाइंट है वो जितना भी ब्रोकरेज करेगा उसमें से 30% आपको कमीशन मिलेगा, तो ये अच्छा है ओलो की तुलना में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।